हेलो, हेलो। एफएम विविध हाँ भारती आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनिमित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे मुखातिब हूँ। श्रोताओं को हम बता दें कि हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी शख्सियत जो अध्यापिका भी हैं, संगीत की एक ख्यातिलब्ध गायिका भी हैं और संगीत का अध्यापन भी करती हैं। तो हम बता दें, ये हैं डॉक्टर सुकल्पा मुखर्जी। सुकल्पा मुखर्जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पांडुरंग जी। डॉक्टर सुकल्पा मुखर्जी जी, आप जानती हैं और बहुत लंबे समय से हम लोग इसका अनुभव कर रहे हैं, कोरोना काल जो चल रहा है, मार्च से लेकर जुलाई आ गया, अभी तक जो समय बीता है वो सबके लिए बहुत ही कठिन काल कहा जाएगा। बहुत सारी समस्याएं इसमें उत्पन्न हुई, लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे बनारसी लोग ऐसे हैं कि बड़े धीरज के साथ रहने वाले हैं और हर समस्या का समाधान ढूंढने में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ मार्ग जी मार्ग खोज ही लेते हैं। लेकिन ये जो हमारा धीरज है, इसकी पराकाष्ठा हो रही है। ये जो कोरोना है, ऐसा वायरस है कि इसका अभी तक कोई समाधान हाथ नहीं लगा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं। आपकी एक अध्यापिका हैं और बहुत सारे नवांकुरों का मार्गदर्शन करती हैं, उनके भविष्य के निर्माण में आपका बहुत योगदान रहता है। ये जो समय होता है, खासकर वो बच्चों के लिए परीक्षा, फिर उसका परिणाम, आगे की कक्षा में जाना, बहुत कुछ उनके लिए रहता है। कुछ तनाव देने वाला समय होता है, कहीं खुशियां लेकर आने वाला होता है, कहीं आगे के भविष्य की कल्पनाओं में उड़ान भरने के लिए उनको प्रेरित करने वाला समय होता है। तो जी ऐसे विद्यार्थी कहीं ना कहीं उलझन में हैं, कहीं ना कहीं दुविधा में हैं। आप किस तरह से अपने विद्यार्थियों का संबल बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं? पांडुरंग जी, पहली बात है कि अब तो देखिए धीरे धीरे ये न्यू नॉर्मल की हम लोगों को आदत सी होने लगी है। सच बोले तो मार्च से लेके जब ये ऐसी स्थिति आई, शुरू शुरू में जितनी घुटन थी, अब जी तो लोगों को कुछ आदत भी हो गई है। और जी मेरा मानना है कि हर परिस्थिति के साथ किसी भी इंसान को, वो बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, जी एडजस्ट करना ये बहुत जीवन में बहुत आवश्यक है। जी और हम सबको ये अभी जो भी परिस्थिति है, हमें न्यू नॉर्मल के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए है, समाज के लिए, देश के लिए। जहां तक बच्चों की बात आ रही है, ये कोइंसिडेंस ही है, आपसे बात करने से 5 मिनट पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, जी जी तो बोली कि कुछ बहुत घुटन हो रही है। और आप जानते हैं कि मैं जिस विद्यालय से जुड़ी हूँ उसका घर विद्यालय के बहुत नजदीक है, तो जी जी बोली कि मैं छत से जब विद्यालय को देख रही हूँ तो मुझे और भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो क्लासरूम याद आ रहे हैं, वो टीचर से याद आ रहे हैं। तो मैंने उससे यही कहा जी कि अब जो है, अब इस तरह से इसको अपनाना सीख लो, क्योंकि अब समय के साथ ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी सेहत का, बाकी हर चीजों का ध्यान रखें। देखिए, जी भविष्य तो सच में अभी सामने कुछ धुंधला ही है, हम सबको स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी जहां जी तक आप बात कर रहे थे, अभी ना हमको कि कोई वैक्सीन इसकी समझ में आ रही है, जी लेकिन समस्याएं तो रहेगी और उससे लड़ना बेहद जरूरी है, ना कि हम उसका रोना लेके बैठ जाए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो अब इसी परिस्थिति में अब हो सकता है कि सिलेबस भी थोड़ा कम हो जाए, पढ़ाई बिल्कुल जरूरी है, लेकिन पढ़ाई माने खाली किताबी विद्या या डिग्री तो नहीं है। तो बिल्कुल इस समय का सदुपयोग करके और भी पॉजिटिव चीजें, अच्छी अच्छी जो है, साहित्य और इन सब से बच्चे जुड़े, संगीत जी से जुड़े, तो हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिवनेस एक आती है। जी हम खाली नकारात्मक बातें अगर सोचेंगे, है हम मान रहे हैं समस्या है, जी बिल्कुल है, लेकिन जीवन में किसके यहाँ कब समस्या नहीं रहती है। हो बिल्कुल सकता है इस समय कुछ ज्यादा है, खुद हमारे भी घर में बच्चे हैं, जी हमको जी उनके भी भविष्य की चिंता है, लेकिन जी आप तो कुछ कर नहीं सकते, जीवन रहेगी तब तो काम होगा कोई भी। तो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए इसी में आदत डालना है। और बस हम खाली बच्चों में पॉजिटिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि अब इसी न्यू नॉर्मल में ढल जाओ, इसको अडॉप्ट करना सीखो, जो चीज जो काम हम खुशी खुशी करेंगे, हमें जी लगता है हम ना
दे पाएंगे। हम अगर पहले ही सोचेंगे अरे ऑनलाइन क्लास, अरे इस तरह क्या है, हमको नहीं तकलीफ, जी हमें तो वो बच्चे चाहिए। और खास करके हमारा विषय ऐसा है, जी आप भी चूंकि बहुत अच्छे समझदार है और आप जानते हैं संगीत के बारे में, जी जी तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और इसके लिए तो आमने सामने बैठ के सिखाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल लेकिन सही क्या हम बिल्कुल हार मान के पीछे चले आए अगर कि नहीं, हम कैसे सिखाएंगे, ये कहने से नहीं होगा। जी और जी बच्चे तो बच्चे हैं, तो उनमें नकारात्मक सोच ना हो, उनकी सकारात्मकता हमको बढ़ानी है, जी टीचर होने के नाते, बड़े होने के नाते, माँ होने के नाते, बस जी यही जी ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी है, बच्चों के लिए ये समय बहुत मुश्किल समय है। स्कूल जी जी तो खाली जी देखिए पढ़ाई की तो जगह है नहीं, जी अपनी सहेलियां, अपने दोस्त, वो हर चीज से वो दूर हो गए हैं, ये तो मुश्किल घड़ी है। जी जी, जी आप कुछ पूछ रहे थे। जी निश्चित रूप से जो बच्चे हैं घर में एक तरह से कैद हो गए हैं, क्योंकि जब स्कूल खुले थे तो स्कूल के लिए रोज निकलते थे, जितने समय स्कूल का होता था उतने देर तक वो बाहर रहते थे, खुले वातावरण में रहते थे, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ बिल्कुल रहते थे, अध्यापकों के साथ जो उनका विचारों का आदान प्रदान होता था, अपने दोस्तों के साथ कुछ बातों पर चर्चा होती थी, आपस में खेल कूद में भी वो हिस्सा लेते थे, जो अन्य तरह की गतिविधियां हैं उनमें और वो बिल्कुल एक स्कूल आने जाने की प्रक्रिया में ना अनुशासन और समय का जो है, समय की कीमत भी वो समझते थे। जी ये जी एक समस्या है कि हमें अगर पहुंचना है 10 बजे स्कूल, तो जी उस घड़ी के साथ वो चलते हैं। लेकिन घर में रहने से क्या होता है ना, जी अगर अभिभावक भी ध्यान न दे तो बच्चे आलसी हो जाएंगे कि सही बात है अभी हम, हाँ अभी हम क्लास करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जी और एक जो तैयार होना, समय से नहाना, खाना, जाना आना, जी ये प्रक्रिया जो है, ये भी बहुत आवश्यक तो होती है। निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं से बाधित हो रही है, लेकिन ऐसे में अभिभावकों का भी ये दायित्व तो बनता है कि थोड़ा सा बिल्कुल उनका उत्साह वर्धन करते रहें जी, और उनके पीछे खड़े रहें, उनको कहीं से अकेलापन ना महसूस हो, उनके साथ जो एक पारिवारिक वातावरण है वो भी बनाए रखें, क्योंकि कई बार होता है कि घर में माता पिता अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, बच्चे अपने अपने कामों में हैं, और फिर वो लगता है कि कहीं ना कहीं से परिवार से कट रहे हैं, तो इन चीज़ों की ओर बिल्कुल हमको ध्यान देना है, और जो कोमल मन है बच्चों का उसको संभालने के लिए यदि हम बड़े सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसी चीजें उपस्थित होंगी जो भविष्य की दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं साबित होंगी। एक बिल्कुल बिल्कुल अध्यापिका होने के नाते सकारात्मक बच्चे बने रहें, इसके लिए कुछ टिप्स आप बच्चों को देती हैं? बच्चों को देखिए, सबसे पहली टिप्स मैं देती हूँ कि जो परिस्थिति है उसको खुशी खुशी स्वीकार करो। जी ये मैं कोविड-19 से पहले भी बच्चों को हमेशा बोलती थी, आज का दिन जैसे शुरू हो रहा है, हमें जो प्राप्त हो रहा है, जी हम सबसे पहले उसका धन्यवाद करें, क्या नहीं मिला उसका दुख ना करे। जी जी रोना रोने के लिए जिंदगी है, लेकिन हमें क्या मिला है, हमसे कितने लोग ज्यादा दुखी परेशान है उनकी ओर देखे, कौन जी कितने प्रसन्न है, कितने खुश है, क्या हासिल किए, वो बात नहीं है। तो सबसे पहले यही। और देखिए, अच्छे साहित्य, अच्छी संगीत से जुड़े, जी हमेशा अच्छी चीजों से जुड़ना वो सकारात्मकता ही पैदा करती है। जी जी हमेशा बच्चों के लिए जो मई जून का समय होता है, अधिकतर गर्मी की छुट्टियां होती हैं और वो समय बड़े आराम से बीत जाता है, अलग अलग तरह की गतिविधियों में वो शामिल होते हैं, लेकिन इस जी समय वो सारी गतिविधियां भी उनकी बंद रहीं, और जो बच्चे अलग तरह की एक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पा रहे हैं, या जैसा बच्चों की भाषा में कहें तो बोर हो रहे हैं, जो बच्चे केवल पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये समस्या है, लेकिन जो बच्चे अलग अलग तरह की एक्टिविटी में लगे हुए हैं, कोई अगर चित्रकारी कर रहा है, कोई जो भी संगीत से जुड़ा गायन है वादन है उसमें लगा हुआ है, कोई कोई भी रचनात्मक कार्य जो वही हो रहा है, रचनात्मक हाँ, कार्य कर जिसमें रहा है, क्रिएटिविटी, बिल्कुल तो ऐसे में बच्चों को जो उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा
आया है उसको उभारने का प्रयास अवश्य होना चाहिए। एकदम एकदम आपसे 100% सहमत है। और ये भी अभिभावक को देखना पड़ेगा, और हो सकता है हम लोगों को कितनी जो है ऐसी प्रतिभाएं अभी पता नहीं चल रही है कि हाँ हमारे बच्चे के अंदर ये बात भी है। जी, तो ऐसी बातों को यदि जरा भी बच्चे में लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे में वो चीज छुपी हुई है, इसका इशारा मिल जाता है, यदि जो अभिभावक हैं, जो अध्यापक हैं, वो थोड़े जागरूक हैं, तो निश्चित रूप से वो पकड़ भी लेते हैं कि ये बच्चा अगर इस दिशा में प्रयास करे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। तो हम सब, हम और आप दोनों लोग अभिभावकों से यही कहें कि अपने बच्चों के अंदर जो कला है, जो प्रतिभा है, उसको पहचानिए और उसको सकारात्मक सहयोग देते हुए आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, उसको उभारिए, उसकी कला को निखारिए। बहुत अच्छा लगा बिल्कुल बिल्कुल सुकल्पा मुखर्जी जी आपसे बातें करके। और इस COVID-19 के दौर में जुलाई का समय जैसा आ गया है, और इस समय तो बच्चे स्कूल हमेशा जाया करते रहे हैं, लेकिन ये जुलाई उनके लिए कहीं ना कहीं से थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न करने वाली है, वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो एक मन में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा दुख है। अभी कब तक लगता है कि आपको स्कूल खुलने की संभावना होगी और सारी चीजें नॉर्मल होंगी, आपका क्या आकलन कहता है? मुझे तो जहाँ तक लग रहा है, देखिए पहले हम सोच रहे थे कि 15 अगस्त तक ऐसा रहेगा, सुरक्षा और उसकी दृष्टि से शायद वो सही हो, ऐसा अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा हमें लग रहा है। तो भगवान से, बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो स्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ बनी हैं, ये दूर हों और हम सब फिर पहले जैसी वाली स्थिति में लौटें और अपने अपने कामों में लगें। जो भी रुकावटें आ गई हैं जिंदगी में, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे बड़े हो, रोज कमाने खाने वाले हो, सबके सामने समस्या है, तो उस दिन और सभी के लिए हम प्रार्थना तो कर ही रहे हैं। सभी लोग प्रार्थना के साथ साथ थोड़ा सा सहयोग, समर्पण, दूसरे के लिए थोड़ा सोचना, ये भी बहुत आवश्यक है। जी जी, ये भी बहुत सिर्फ अपने दायरे को हम सीमित न रहे पांडुरंग जी, ये भी तो बहुत जरूरी है जी। और जो एक और अच्छी बात है, देखिए बहुत मैंने सालों से एक ऐसा शुरू हो गया था कि पूरा परिवार जो है बिखरा बिखरा सा हो गया था, सब अपनी दुनिया में, तो शायद एक इसका पॉजिटिव या एक प्लस पॉइंट ये है, बहुत सालों बाद एक एक परिवार एक साथ सब लोग समय बिता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए ये जो सकारात्मकता है ये हमेशा बनी रहे और हम परिवार के सदस्य हमेशा हमेशा इसी तरह प्रेम के धागे में बंधे रहें, इसी कामना के साथ हम आपको ढेर सारा धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सुकल्पा मुखर्जी। आपसे विदा लें इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हो जाए। इस समय तो जो गीत सुबह शाम गुनगुनाने का मन कर रहा है आप वही गीत सुना सकते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। क्या बात है, अंकुश फिल्म की ये बहुत अंकुश फिल्म बहुत सुंदर है, इनकी बहुत अच्छी प्रार्थना है, तो हम ईश्वर से वही कामना करते हैं, वही प्रार्थना करते हैं। और अब FM विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को, अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। मन का विश्वास कमजोर होना।
Thank you.